नमस्कार। कल रात को ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में सेक्शन 206, 420 और 34 में किरीट सुमैया जी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और इसमें लिखा है कि ऐसा एक अधिकारी ने सुना, उसको जानकारी नहीं है पूरी, कि किरीट सुमैया जी ने पैसे आईएनएस विक्रांत के लिए लोगों से इकट्ठे किए। पूरी एफआईआर में किधर भी कितने पैसे इकट्ठा किए, कहाँ दिए, किसने देखा, चेक से था, कैश से था, पुख्ता जानकारी किधर भी नहीं है। वर्बल के ऊपर एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की, वर्बल कंप्लेंट के ऊपर। 2014 में सामना के ऑफिस में मुझे बुला के संजय राउत ने धमकाया और मैंने 25 लाख रुपए दिया जो मुझे वापस देने वाला था, उसने आज तक नहीं दिए। क्या मुंबई पुलिस, मैं रिटर्न कंप्लेन विद चेक विद प्रूफ देने को तैयार हूं, संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? मेरा सवाल ये मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी के साथ है। मैं पूरे चेक के डिटेल, आप सीसीटीवी कैमरे, कैमरा, मोबाइल रिकॉर्ड, संजय राउत का मेरा चेक कर लीजिए, आपको सब मिलेगा। सामना के कार्यालय में बुलाया और भी 3 लोग वहां पे मौजूद थे, मैं वो तीनों को भी विटनेस बना के आपको जानकारी दिला दूंगा कि वो 3 लोग कौन थे, बड़े लोग थे। संजय राउत ने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे, 25 लाख रुपए मैंने उनको चेक से दिया जो उन्होंने बोला मुझे बाद में वापस देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वापस नहीं दिए। क्या उसके ऊपर एफआईआर मुंबई पुलिस दर्ज करेगी? मेरा सवाल ये माननीय पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी से है।